वेरी गुड। हमने लास्ट लेक्चर में पोयम सीखी थी, याद है आपको? थर्ड को अलग और फोर्थ को अलग सीखेंगे, राइट ना? तो उससे पहले आपने क्या देखा था? बारह घड़ी, वेरी गुड। क्या देखा था? बारह घड़ी। लेकिन बारह घड़ी के ऊपर हमने शब्द बनाना सीखना है हमें, और उसको कैसे पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे मैंने आपको दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी शब्द सिखाए थे, लेकिन वो कैसे थे? बिना मात्रा के, उसको ना काना था, ना मात्रा था, ना उपकार थी, ना मिलांटी थी, है ना? तो अभी हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके वो बारह घड़ी कंप्लीट करेंगे। वैसे तो आपको आता है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिविजन करते हैं। चलो रेडी, पेन पेंसिल लेके बैठे हो आप, वेरी गुड। तो चलो पहले हमने देखे थे बिना काना मात्रा के शब्द, दो हमने तीन अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी शब्द बनाने सीखे थे। आज हम देखेंगे आ की मात्रा, क्या देखेंगे? आ की मात्रा। क्या देखेंगे आज हम? आ की मात्रा। अभी आ की मात्रा मीन्स ऐसे काना लगता है, क्या लगता है? वेरी गुड, काना। तो चलो देखो, अभी पहले हम वर्ड देते हैं, द प्लस देखो, म प्लस
ये शब्द आपको बनाना है, नोटबुक लेके बैठे हो आप लोग। वेरी गुड, ह प्लस ह को आ की मात्रा प्लस थ, देखो तो वेरी गुड करो। उसके बाद दिख देती हूँ मैं आपको द प्लस प्लस आ की मात्रा। चलो एक दो तीन ये शब्द लिखो आप, उसके बाद मैं आपको वेलेंटिन सिखाने वाली हूँ। चलो लिखे लिखो जल्दी। चलो अभी ये आपका हो चुका है, इसके बाद इसके ऊपर मैं आपको वर्कशीट भी दूंगी। हाँ बच्चों, वो आपको चलो ये लिखो तब तक ऊपर देखेंगे हम। हाँ। ई मात्रा क्या देखेंगे, ई की मात्रा। अभी ई की मात्रा कैसी देती है मैंने बताया था आपको, कैसे देते हैं की मात्रा, कैसे देते हैं। वेरी गुड। चलो फिर पहला शब्द हम लेते हैं, ये हो चुका है सबका। इसके ऊपर मैं फिर से आपको वर्कशीट देने वाली हूँ और वो आपको लिखना है ना। चलो पहला शब्द आएगा, बोलो तो क्या है। वेरी गुड, लेकिन अब उसको कैसे पढ़ना है
कैसे उसका अक्षरों को वर्णों को मिला के शब्द बनाना है, ये हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और सीखेंगे। इसके ऊपर मैं आपको वर्कशीट भी दूंगी, वो भी सॉल्व करना है, और ये नोटबुक में दो बार करना है। ओके, नेक्स्ट डे।